अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहसिन इशफाक और मैं एक दफ़ा फिर से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। और दोस्तों, आज मैं लेके आया आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए ग्रीन एक्सप्रेस ट्रेन की अपडेटेड किरायानामा, इसके औकात-ए-कार, मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन के और मज़ीद और मुफीद मालूम जो आप लोगों को ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन के सफ़र में हासिल हो सकती है। इस उम्मीद के साथ इस ब्लॉग को शुरू करने जा रहा हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब को बहुत पसंद आए। स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि तमाम तर मालूमात मैंने मेंशन की हुई है और ये तमाम तर मालूमात मैं आपको इसी व्लॉग में फराहम करूँगा इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, दिन के 3:18 पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की हदूद में दाखिल हो जाती है और आप इस वक्त इसका एक मुनफरद नज़ारा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मैंने यह नज़ारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास से कैप्चर किया है। आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए नई नकल कुछ इसको आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन की, जो कि रफ्तार रफ्तार प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जा रही है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस इस्लामाबाद मार्गला रेलवे स्टेशन से चलती है, उसके बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद 2 मिनट के लिए चकलाला रेलवे स्टेशन पर रुकती है, 35 मिनट के लिए लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है, जबकि 20 मिनट के लिए खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है, आधी रात के पहर में 2 मिनट के लिए बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है ग्रीन लाइन, और सुबह सवेरे 25 मिनट के लिए ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन रोहड़ी जंक्शन पर रुकती है, उसके बाद 2 मिनट के लिए हैदराबाद जंक्शन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है और अपनी आखिरी मंजिल मकसूद कराची में जाके ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन इख्तिताम होती है। अब हम बात करते हैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन के अपडेटेड किरायों की, जो कि नाफिज़ल अमल है आजकल। दोस्तों, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन में 4 क्लासेस मौजूद होती हैं, जिनके किराए मैं आपको अब बताता हूं। चकलाला रेलवे स्टेशन का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन तक का जो किराया होता है वो है 560 रुपये इकॉनमी क्लास का, 1060 रुपये ए सी स्टैंडर्ड क्लास का, 1210 रुपये पार्लर क्लास का, जबकि 1360 रुपये ए सी बिजनेस क्लास का। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से लेकर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन तक का इकॉनमी क्लास का किराया होता है 1910 रुपये, जबकि एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया होता है 3010 रुपये, पार्लर कार का किराया होता है 3310 रुपये, जबकि एसी बिजनेस क्लास का किराया होता है 3660 रुपये। इसी तरह से खानेवाल जंक्शन का इकॉनमी क्लास का किराया होता है 2860 रुपये, एसी स्टैंडर्ड का किराया होता है 4560 रुपये, जबकि बिजनेस क्लास का होता है 5660 रुपये और पार्लर कार का होता है 5160 रुपये। इसके बाद अगला स्टॉप जो होता है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का वो है बहावलपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी इकॉनमी क्लास का किराया है 3310 रुपये, एसी स्टैंडर्ड का किराया 5910 रुपये, पार्लर कार का किराया 6660 रुपये, जबकि एसी बिजनेस क्लास का किराया 7410 रुपये। इसके बाद जो अगला स्टॉप आता है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का वो है रोहड़ी जंक्शन। रावलपिंडी से रोहड़ी जंक्शन तक की इकॉनमी क्लास का किराया है 4410 रुपये, एसी स्टैंडर्ड का किराया 8210 रुपये, जबकि पार्लर कार का किराया 9260 रुपये और बिजनेस क्लास का किराया 10310 रुपये। रोहड़ी जंक्शन के बाद जो अगला स्टॉप आता है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का वो है हैदराबाद जंक्शन, जहाँ पर खातिर ख्वा सवारियाँ उतरती हैं। इसकी इकॉनमी क्लास का किराया 4860 रुपये, एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया है 9410 रुपये, पार्लर कार का किराया 10560 रुपये, जबकि एसी बिजनेस क्लास का किराया 11760 रुपये। और दोस्तों, शहर रावलपिंडी से लेके ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन की मंजिल मकसूद कराची कैंट तक की इकॉनमी क्लास का किराया है 5360 रुपये, एसी स्टैंडर्ड का किराया 9860 रुपये, पार्लर कार का किराया 11060 रुपये, जबकि एसी बिजनेस क्लास का किराया 12360 रुपये, जो कि आजकल नाफिज़ल अमल है। दोस्तों, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन में मिलती है शाम की चाय, मिनरल वाटर की फैसिलिटी, रात का खाना, रेलवे स्टेशन के आने से पहले पेशगी इत्तला और अगले दिन का नाश्ता ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन की इंतज़ामिया की तरफ से तमाम मुसाफरों को मिलता है, और एसी स्टैंडर्ड, पार्लर कार क्लास और बिजनेस क्लास के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बेडिंग और कुशंस पैसेंजर्स को मिलते हैं। बिलाशुबा ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की महंगी तरीन ट्रेन है, लेकिन सर्विसेज के हवाले से पाकिस्तान रेलवे की सबसे बेहतरीन ट्रेन है।
उम्मीद कर सकता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब को मेरी ये पेशकश पसंद आएगी। मैंने हत्ता इम्कान कोशिश की है कि बेहतरीन रहनुमाई फ्राहम कर सकूँ आप तमाम दोस्त अहबाब की। इस अपनाइत के साथ इस व्लॉग को अख्तिताम करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब अपना बहुत ख्याल रखेगा, और मेरी तरफ़ से मोहसिन अशवाक की तरफ से अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।